टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 9 व्हिच फॉर द टॉप पहुंचना थिएटर पर। दिस चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ाऊंगा जो संतोष यादव द्वारा में दिया गया है। तो समरी क्या होती है? आई एम गोइंग टू टीच यू द समरी। संतोष वाज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनीवाला ऑफ रेवती डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उनका जन्म हुआ था। सी वाज द यंगेस्ट चाइल्ड, वह सबसे छोटी बच्ची थी ऑफ हर पेरेंट्स अपने माता पिता के। सी हैड फाइव ब्रदर, उनके पांच भाई थे। सी बिगिन लिविंग लाइफ, उन्होंने जीवन जीना चालू कर दिया था ऑन हर ऑन टर्म, अपने स्वयं के टर्म कंडीशन के अनुसार फ्रॉम हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। वेयर जा जब जहाँ पर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, जो लड़कियाँ थीं वो परंपरागत जो हरियाणी ड्रेसेज होते उनको पहना करती थी। संतोष प्रेफर शॉर्ट, संतोष ने शॉर्ट पहनना पसंद किया। सी वाज सेंट टू अ लोकल विलेज स्कूल, उन्हें एक स्थानीय गांव स्कूल भेजा गया था। व्हेन सी वाज 16, जब वह 16 साल की हुई, हर पेरेंट्स परस्यूडेड, उनके माता पिता ने राजी किया उसको टू गेट मैरिज, शादी करने के लिए। बट सी वॉन्टेड टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, लेकिन वह उचित शिक्षा फर्स्ट पहले प्राप्त करना चाहती थी। सो इसलिए ही सी लेफ्ट होम, उन्होंने घर छोड़ दिया एंड ज्वाइंट ए स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली में एक स्कूल को ज्वाइन कर लिया। सी पास्ड हाई स्कूल फ्रॉम देयर, वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल को पास किया। देन सी वेंट टू जयपुर, उसके बाद वो जयपुर गई। सी ज्वाइन महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया एंड गॉट अ रूम, एक कमरा ले लिया इन कस्तूरबा हॉस्टल में। फ्रॉम हर रूम, उसके कमरे से सी यूज टू वॉच प्लेयर्स, वह गांव वालों को देखा करती थी गोइंग अप द हिल्स, पहाड़ियों ऊपर जाते हुए एंड सडनली डिसअपीयरिंग, और अचानक गायब होते हुए आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय के बाद। सी डिसाइडेड टू चेक इट आउट, उन्होंने इसको जांचने का निर्णय लिया। सी मेट ए फ्यू माउंटेनियर्स, वह कुछ पर्वतारोहियों से मिली देर वहाँ पर एंड दे मोटिवेटेड हर, उन्होंने मोटिवेट किया उनको टू टेक टू क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग लेने का। सी एंजॉय क्लाइंबिंग, उन्होंने एंजॉय किया क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहाड़ों को चढ़ने का एंड डिसाइडेड टू परस्यू हर इंटरेस्ट, और निर्णय लिया अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने का। सी सेव मनी, उन्होंने रुपया बचाया एंड एनरोल्ड, नाम लिखा लिया इन्हें कोर्स इन उत्तराखाती नेहरी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। संतोष बैंक ऑन एक्सपीडिशन इब्रिय, संतोष जाती थी एक साल यात्रा पर प्रत्येक साल। सी डेवलप रिमार्केबल रेजिस्टेंस, उन्होंने एक उल्लेखनीय रेजिस्टेंस को विस्तार किया था टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड के प्रति। सी हैड आयरन मैन, उनके अंदर लोहे जैसी इच्छा थी, फिजिकल एंडोरेंस एंड सहनशीलता एंड मेंटल टफनेस, the culmination of her hard work, जो रिजल्ट था उनकी कठिन मेहनत का एंड सेंसिटिविटी के में 1992 में आया था। व्हेन सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट 12 ईयर्स ऑफ एज, जब 12 साल की उम्र में माउंटेन को चढ़ाई की थी। सी वाज द यंगेस्ट वुमन, सबसे छोटी महिला थी इन द वर्ल्ड, दुनिया में टू अचीव द फेट, इस कार्य को करने के लिए। एंड इंडो नापेलिन वुमेन्स एक्सपीडिशन एनरोल्ड, संतोष का नाम लिखा लिया आया मेंबर एक सदस्य के रूप में एंड इनवाइटेड हर टू ज्वाइन, उन्हें आमंत्रित किया ज्वाइन करने के लिए। तय उनको सी टैंड स्केल द एवरेस्ट आ सेकेंड टाइम, इसके बाद उन्होंने दूसरी बार माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। The Indian government bestowed was given upon her the Padma Shri in recognition of her achievement की उपलब्धियों, उनको पद्म श्री अवार्ड दिया है। सी इज फेवरेट एनवायरमेंट, वह बहुत ही उग्र वातावरण विशेषज्ञ भी है। सी हैड कलेक्टेड एंड ड्रॉप डाउन 500 के किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, वह 500 किलोग्राम के नीचे लाइए फॉर्म के हिमालय थे। तो दिस वाज द समरी ऑफ द लेसन एंड डियर स्टूडेंट एज फॉर होमवर्क, होमवर्क के रूप में मैं आपको दो क्वेश्चन लिखूंगा विच यू विल ट्राई टू गिव देयर आंसर एज द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई वाज संतोष सेंट टू लोकल स्कूल, व्हाई वाज संतोष सेंट टू लोकल स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू संतोष लर्न टू क्लाइम माउंटेन, हाउ क्वेश्चन एंड आंसर ट्राई टू गिव द आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन, दैट्स ऑल।